मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। निम्नांकित में से किसकी तुलना मौर्य मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुआकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृति का प्रयोग किया है? अर्धमागधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी है भी था? अशोक। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य। कौटिल्य चाणक्य किस का प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया? बौद्ध धर्म को। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य। सांची किस कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध का। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पण। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? विशाखदत्त। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। मालवा गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? चंद्रगुप्त मौर्य। किसने सहिष्णुता उदारता और करुणा के विधि आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? पाटलिपुत्र। अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त का। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश के शासन किया? मौर्य। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृति है। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने डक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियाँ। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला मुख्यतः बना था लकड़ी का बराबर। जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया भाब्रु स्तंभ। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य सैंड्रोकोटस से संबंधित है।
बिंदुसार, बिंदुसार अमित्र घात से संबंधित है। अशोक, अशोक पियदशी से संबंधित है। और चाणक्य विष्णुगुप्त से संबंधित है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। कलिंग युद्ध में की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 13 में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया? 305 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में हैं? प्राकृति और ब्राह्मणी। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था, तो इसमें कथन जो सही है संस्कृति, कला और साहित्य, दूसरा है प्रांतीय विभाजन और तीसरा है हिंदू कोष्ठक साम्राज्य। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, कथन एक है। और इसका कारण है कि कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रण करता था। तो इसका सही उत्तर है ए और दो, मतलब कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण जो है कथन ए का सही व्याख्या करता है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें से शामिल है दूसरा और तेरहवां। कथन ए, अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थे। कारण कथन, इसका कारण ये है उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। तो यहाँ पे सही है कथन एक सही है और कथा उसका कारण भी सही है और कथा कारण कथन का सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य देशों में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो मासकी। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ये स्थापत्य संरचना में के भाग है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने। सूची एक और सूची दो को सम्मिलित कीजिए प्रांत और राजधानी के लिए। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला है, तक्षशिला थी। दक्षिणापंथ पथ की राजधानी स्वर्णगिरी है। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी है। और पूर्वी प्रदेश यानी कि प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र थी। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? अर्थशास्त्र में। अशोक ने अपने राज्य अभिषेकों के चौथे वर्ष में निग्रोथ के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? उपगुप्त। किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा? मेगास्थनीज। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को। मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? गुण पुरुष। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदेशों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तिशश। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्टि शिष्ट पर्व।
किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? आषाढ़, जुलाई से। निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो चोल, पांड्य, सत्यपत पुत्र और केरल पुत्र। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ब्राह्मणी लिपि। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया? तो अफगानिस्तान में। अत्यंत पॉलिश किए गए एकासम अशोक स्तंभ, जिसे पांडुरंजित बालुकाशम के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए हैं, उसे साधारणतः कहा कि खदानों से निकाला गया था मिर्जापुर के समीप चुनार से। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो मेगास्थनीज। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम के अंजीर शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया? बिंदुसार। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां वृहत शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? पृथक कालिंग शिलालेख। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कलिंग का पृथक शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय, चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंततः शाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामत मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? 6ठे शिलालेख में। निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताया है? तो प्रादेशिक, राजूक और युक्तक। विशिष्ट है बेगारी से। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे दैवीय प्रकोप के समय राज्य दूसरा द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? महास्थान बांग्लादेश और सहगौरा उत्तर प्रदेश से। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक के मन सेहरा पाकिस्तान एवं आज पाकिस्तान में है जगह और एवं सहबाज गढ़ी यानी कि यह भी पाकिस्तान में है से प्राप्त वृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी लिपि। कहाँ से अशोक ने द्विभाषीय यानी कि ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो सर ए कुना और कंधार से। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15। अर्थशास्त्र में उल्लिखित समतांग में शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। अशोक का समकालीन तुर्मई कहाँ का राजा था? मिस्र का। किसके शासन काल में डिमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा में। धन्यवाद।